इसका आया 36। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 45 फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। कैसे सॉल्व होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या करेंगे बताइए? ट्वेल्व बाई 60 इंटू 30 प्लस 8 मिनट है, यानी 8 बाई 60 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय सीधा 12 और 8 20, यानी 20 बाई 60। यही होगा? यस सर। तो कितना रहा है आंसर? 36। यस सर, 36 आया किलोमीटर पर आवर। यानी ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो टाइम गिवेन है, स्पीड गिवेन है, तो स्पीड इनटू टाइम बाई टोटल टाइम। यही हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अगला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही था, सॉल्व किए हैं? यस सर, मेरा 3 आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, 3 ही आ रहा है। थ्री आ रहा है। मोहन वर्मा सर, मेरे से सॉल्व नहीं हुआ सर। क्यों? प्रशांत समीर सर सॉल्व नहीं हुआ सर मेरे से। आयुषी नहीं बना सर मेरे से। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन समझिए तो अपने आप कहते कि सर बन जाता, यानी आपने क्वेश्चन को दो बार पढ़ा नहीं है। A train cover a distance 3584 in 2 days, 8 hours. Total समय दिया हुआ है 2 दिन 8 घंटे और डिस्टेंस दिया हुआ है 3584. फिर आगे करा, it covers 1440, पहले दिन चला गया और दूसरे दिन 1608 on the second day. तो by how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey differ from that for the entire journey? रौनक कैसे बनेगा? सर पहले तो वो जो टोटल डिस्टेंस है 3584 और उसका सर स्पीड निकाल लेंगे और टाइम हो गया सर उसमें 56 आवर, क्योंकि वो 2 दिन और 8 घंटा, तो 2 दिन हो गया 48 घंटा और 8 हो गया 56 बटे 56, तो सर वहां से स्पीड निकल जाएगा। और यस सर, और फिर सर जो रिमेनिंग जर्नी बचा है, जैसे कि सर पहला 1608 है और सेकंड है, सेकंड टोटल को ऐड करके माइनस कर देंगे सर, उसमें से माइनस करके और फिर सर उसका भी निकाल देंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस वाले मतलब आपके हिसाब से निकाल लेंगे, यही ना? हाँ सर, हाँ सर। तो वो हो जाएगा 3584 में से हम लोग किसको किसको लेस करेंगे? 1440 हाँ सर प्लस 1608 हाँ। कितना बचा सर? 536 हाँ सर, 536 किलोमीटर। चलिए ठीक है, अब आगे। अब आगे सर जो जो टोटल टाइम लगा था 48 घंटा, तो सर उसमें पहले वाले में तो फर्स्ट डे डे लग गया तो 24 घंटा खत्म हो गया, सेकंड डे वाले में फिर 24 घंटा लग गया, तो बाकी बचा 8 घंटा, तो सर इसको भाई 8 कर देंगे और जो आएगा उसको वो टोटल वाले से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। यानी तो कह रहा था कि बताए कि मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा से कितना अंतर होगा।
तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस सबसे पहले ये जान गया कि 2 घंटे और सॉरी 2 दिन और 8 घंटे लग रहा है, तो 2 दिन तो हट गया क्योंकि पहला दिन 1440 जा रहा है, दूसरे दिन 1608 जा रहा है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस को 8 घंटे में तो इसका स्पीड हो जाएगा 536 डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 6 48 67 यस सर। और मूल औसत गति क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस है 3584 और डिवाइडेड बाय 56 आवर प्लस 56, तो कितना आया ये 64 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कर रहा है दोनों का डिफरेंस बताओ, तो 67 माइनस 64 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्या समीर कोई प्रॉब्लम, टोटल डिस्टेंस गिवन था, केवल क्या कर दिया ना कि 2 दिन 8 घंटे, तो 2 दिन मतलब 24, एक दिन में 24 आवर्स, 24 48 आवर प्लस 8 56 आवर, तो ओरिजिनल स्पीड हमारा निकल गया 64 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा ओरिजिनल स्पीड हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद रिमेनिंग का स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका हटा दिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 536, तो रिमेनिंग स्पीड डिस्टेंस का स्पीड क्या होगा, तो 536 बाय 8 दैट इज 67 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। क्लियर है आयुषी? यस सर। यस सर क्लियर है। पढ़िए। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी and travel towards each other at a speed of 16 mile per hour and 21 miles per hour towards each other hai. Ek ka speed miles mein hai, 16 miles per hour aur dusre ka 21. At the time of their meeting, the second has traveled 60 mile more than the first. The distance between A and B. Kara jab wo mile, at the time of their meeting, jab wo mile, the second jo hai, wo 60 mile zyada chala. तो कह रहा है क्या, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए, सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। दो रेलगाड़ी ए और बी से प्रारंभ करती है, एक दूसरे की ओर 16 और 21 की स्पीड से जा रही है, मिलने के समय तक दूसरे रेल पहले से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो दोनों के बीच की दूरी बतानी है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या? सर 444 किलोमीटर सर। यस सर 444 किलोमीटर। कैसे बताइए सर, 16 और 21 है सर, डिफरेंस कर लेंगे 5, तो 5 ये ज्यादा चलेगा पर आवर और टोटल 60 चला है, तो डिवाइड कर देंगे तो 12 आवर ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, दोनों को ऐड कर लेंगे सेम डायरेक्शन में पहले हम लोग तो 37। हां सर, तो 37 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस मोर by speed more, और distance more है यहाँ पे 60 और speed more है 21 minus 16 that is 5, तो ये आ गया 12 hours, बस इतना ही सोचना है इसमें। यानी एक जो है, देखो एक जो है एक घंटे में 16 माइल जा रहा है और दूसरा 21 माइल, यानी पर आवर 5 माइल अधिक चल रहा है, तो
एक घंटे में 5 आवर्स मोर चल रहा है, सिक्स क्वेश्चन कर रहा है कि ओवरऑल वो 60 माइल्स अधिक चल रहा है, तो कितने घंटे में, तो एक घंटे में 5 तो 60 कितने थे, 60/5 यानी 12 आवर्स। अब डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है 60 + 21 इनटू टाइम है 12 आवर्स, दैट इज कितना हो गया 37 इनटू 444 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छे से देखिए, आज लगभग हम लोग ट्रेन का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, आज इसको हम लोग खत्म करेंगे, और उसके बाद जो डाउट्स रहेगा उसको हम लोग बाद में एक डाउट क्लास दे करके उसको खत्म करेंगे, लेकिन ये चैप्टर आज एंड होगा। उसके बाद अगले क्लास में देखते हैं कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है या अलग है, वो करते हैं। 26, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 14 and 21, व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर मोर। लगभग सेम क्वेश्चन है, जब वो मिले तो क्या पाते हैं कि 70 किलोमीटर ज्यादा, तो एक घंटे में 7 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब ये लोग 10 घंटे चले। सब लोग देखो, पाला जो है एक घंटे में 14 किलोमीटर जा रहा है, और दूसरा जो एक घंटे में 21 किलोमीटर जा रहा है, यानी दूसरा पहले के रेस्पेक्ट में एक घंटे में 7 किलोमीटर अधिक जा रहा है, तो टाइम क्या होगा 70/7, क्योंकि टोटल वो 70 किलोमीटर ज्यादा चला, तो 7 किलोमीटर मोर इन 1 आवर, तो 70 किलोमीटर मोर इन 10 आवर। रिलेटिव स्पीड 24 + 14 = 35 होगा, तो टाइम इज इक्वल टू, फिर वही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस मोर बाय स्पीड मोर। तो ये पढ़ने के साथ या यूनिटरी मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते थे। डिस्टेंस मोर है 70 और स्पीड मोर है 7, दैट इज 10 आवर्स, और क्वेश्चन कर रहा डिस्टेंस बताओ, the distance equal to relative speed, यानी 14 + 21 × 10, answer हो गया 350 किलोमीटर। आयुषी सिंह, कोई प्रॉब्लम? नो सर, बन गया है। अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एट and the other from B to A. If they arrive at B and A respectively in 4 hours and 9 hours, एक जा रहा 4 घंटे में और दूसरा 9 घंटे में, after they pass each other, pass करने के बाद के distance को वो 4 घंटे और 9 घंटे इन 4 hours में और 9 hours में तय करते हैं, तो speed of ये speed का ratio क्या होगा? 3:2 sir. कहीं ना कहीं ये यहां मिलते हैं, तो मिलने के बाद पहले वाले का ये 4 आवर्स और दूसरे वाले का ये 9 आवर्स। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, दे कवर्ड द डिस्टेंसेस। तो मैंने बताया था कि S1/S2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, दैट इज T2 कितना है 9/4, 3:2। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसी में किसी एक का स्पीड गिवन हो सकता है, तो कहेगा कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट इज गिवन, तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द सेकंड? पहले का स्पीड गिवन है तो दूसरे का क्या होगा, या दूसरे का गिवन है तो फर्स्ट का क्या होगा, या दोनों के स्पीड का सम दिया हुआ है, या दोनों के स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है, या एक का स्पीड दूसरे से इतना मोर है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। प्रशांत, आवाज मिल रहा है मेरा?
अमित आ नहीं रहे थे? अमित अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन इच हैविंग अ लेंथ ऑफ 160 मीटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है दोनों का लेंथ 160 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में पार कर रहा, वन ट्रेन क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 27 सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का चेंज है, पढ़िए सॉल्व कीजिए। विपरीत दिशा से आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 है एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। अच्छा ये पाले वाले सेंटेंस में क्या लग रहा है, दोनों का लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है और दोनों ट्रेन चल रही है और विपरीत दिशा में है, तो एक्स प्लस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, पहले सेंटेंस से x प्लस वाई यानी स्पीड निकलेगा, सिंस डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन, टाइम भी गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम लोग का रिलेटिव स्पीड यानी x प्लस वाई मिलेगा। तो x प्लस वाई क्या होगा? 320 बाई 9, 160 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 320 बाई 9। और इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदल दें 18 बाई 5 1.8 कितना आया? 128 128 किलोमीटर पर आवर पर आवर। आगे क्या कर रहा है? यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, एक्स या वाई दोनों में से कोई भी एक हो सकता है सर। हाँ ठीक है, एक लिखा हुआ, यदि एक रेलगाड़ी यानी पहली गाड़ी, इफ वन ट्रेन, तो एक्स मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 160 प्लस 200 बाय 27 सर, द प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो एक्स एंड इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई है 160 और प्लेटफॉर्म 200 डिवाइडेड बाय 27 सेकंड, और इसको भी 18 बाय 5 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर कितना रहा? 48 14। तो व्हाट विल बी वाई? 128 माइनस 48 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो ऑफ स्पीड पूछ रहा है, क्या होगा? 48:80, दैट इज 3:5, एस वन या एक्स और वाई, रेशियो ऑफ स्पीड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसको मीटर पर सेकेंड में भी तो छोड़ के निकाल सकते थे। हाँ निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल, लेकिन ये थोड़ा फ्रैक्शन मेरे को दिखा कि 320/9, तो थोड़ा डर लग गया कि आगे सबस्ट्रैक्शन में थोड़ा कहीं लेंदी ना हो जाए, इसलिए किलोमीटर पर आवर में पहले ही चेंज कर लिया, और देख कर लग रहा था कि नीचे 9 था, कैंसिल हो जाएगा। यस वैसे आप कर सकते। शशि समझ में आ रहा है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन सिटिंग इन ट्रेन व्हिच इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व करता है दैट इट टेक्स 9 सेकेंड फॉर अ गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू पास हिम, इफ द गुड्स ट्रेन 187.5 मीटर लॉन्ग फाइंड इट्स स्पीड।
सॉल्व कीजिए। शिवानी राय, आयुषी राय जी सर। सर 25 किलोमीटर पर आवर। कैसे बताओ सर? मालगाड़ी का वो दिया हुआ है लंबाई 18 187.5 बाई 9 सेकेंड कर देंगे, और फिर टोटल में 50 + y मान लेंगे उसका स्पीड इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर में चेंज करके फिर बना लेंगे इसको। सर मेरा 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। सचिन 25 किलोमीटर पर आवर आ गया सर। सचिन यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या होगा सर? क्वेश्चन अभी हम समझे नहीं है थोड़ा, पढ़ो। यस सर। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है में बैठा एक व्यक्ति, मतलब इस रेलगाड़ी में एक पर्सन बैठा है, वो क्या देखता है कि अपोजिट डायरेक्शन से एक गुड्स ट्रेन उस व्यक्ति को, उसके ट्रेन को नहीं, और जिस ट्रेन में मैन बैठा है और वो फील कर रहा है कि आ रही गाड़ी मैन को यानी उस पर्सन को पार करे, तो पर्सन तो जीरो होता है। Yes, तो उस ट्रेन का लेंथ नहीं लिया जाएगा, मैन का लिया जाएगा, और मैन तो जीरो होता है। और यदि मालगाड़ी की लंबाई यानी L1 जीरो है और L2 187.5 है, टाइम गिवन है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x + y = 0 + 187.5 / 9 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यस सर, लेकिन 50 किलोमीटर ये ट्रैवलिंग कर रहा है। अच्छा, वो किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर था, ये सेकेंड था, तो चलो इसको भी 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और एक्स गिवन है तो क्या वाई नहीं निकल जाएगा? यस सर। 50 + y = 187.5 / 9 × 18/5। यस सर, आ जाए। ये 9 से दो बार में, दो बार यानी 50, उसको सॉल्व करेंगे तो 75 आ रहा है। यस सर। तो व्हाट विल बी वाई? 25 किलोमीटर पर। साक्षी। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ट्रेन में मैन बैठा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, मैंने बताया था कि मैन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो तो प्लेटफॉर्म और मैन इज ऑब्जर्वर, और वो महसूस करता है कि आ रही गाड़ी मैन को पार कर रही है, तो मैन तो जीरो होता है। और वैसे केस में कई बार ऐसे भी रहेगा कि प्लेटफॉर्म का लेंथ दे देगा कि आप उसमें फंस जाओ, या उस जिस ट्रेन में मैन बैठा उसका लेंथ दे देगा कि आप फंस जाओ। तो हम लोग वैसे केस में ये वॉच करते हैं कि क्या मैन ऑब्जर्वर है और ट्रेन मैन को पार कर रही है। अगर मैन को पार कर रही है तो जिस ट्रेन में मैन बैठा है दैट ट्रेन विल बी जीरो, नॉट स्पीड, उसका लेंथ जीरो होगा। तो लेंथ जीरो तो L1 हो गया जीरो और L2 गिवन है, डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो रिलेटिव स्पीड है। समीर क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30।
टू स्टेशन ए एंड बी आर कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, अच्छा क्लियर हो जाएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। टू स्टेशन ए एंड बी आर 145 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रीट लाइन, करा दो स्टेशन है ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह 145 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टुवार्ड्स बी एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ए से बी की ओर एक ट्रेन जा रही है और उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। वन आवर लेटर एक घंटे बाद अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ए एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, और ये एक घंटे बाद चलती है। तो कह रहा है पहली रेलगाड़ी दूसरे से कब मिलेगी? 3 घंटे बाद सर। This is 3 hours. अमित बताइए कैसे सॉल्व होगा? सर ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आप बताए थे, लेकिन इसमें टाइमिंग दोनों का दिया हुआ था, इसमें टाइमिंग नहीं है। इसमें एक घंटा लेट चल रहा है, इसका मतलब है कि जो ए चलेगा वो एक घंटा एक्स्ट्रा चलेगा। तो पहले वाला अगर टी आवर्स चल रहा है तो दूसरे वाला एक घंटे बाद यानी टी माइनस वन आवर चलेगा। यही ना कहना चाह रहा है? अब जब ये यानी 25t प्लस 35t माइनस 1 पाला का डिस्टेंस प्लस दूसरे का डिस्टेंस इज इक्वल टू 145, ये निकल जाएगा, 30 आ गया 3 आवर्स। अच्छा ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं कि सर ये जब डिस्टेंस था 145, पाला एक घंटा एक्स्ट्रा चला, पाले वाले का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो सर ये 25 किलोमीटर जा चुका है तो बच गया कितना, तो 145 माइनस 25 डेट इज 120 किलोमीटर ये बचा हुआ है और इसका स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इक्वल टू रिमेनिंग डिस्टेंस 120 बटा रिलेटिव स्पीड 25 प्लस 35 तो 2 आवर्स। अब ध्यान देना एक घंटा तो ये एक्स्ट्रा पहले चला था और 2 घंटे बाद यानी 1 प्लस 2 डेट इज 3 आवर्स। चाहो तो ऐसे यानी टोटल 145 किलोमीटर है, पाला वाला 25 किया तो बच गया कितना 120। अब 120 डिस्टेंस है और एक जा रहा है 25 दूसरा 35, अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड 60 हो गया तो 60 से 120 कैंसिल हो गया दो बार में 2 आवर्स, तो 2 आवर्स तो ये साथ में चले और पाला वाला जो है 1 आवर एक्स्ट्रा चला था पहले, तो टोटल पाले वाले का पूछ रहा है तो 3 आवर्स, अगर दूसरे वाले का पूछता तो 2 आवर्स। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया, मिस्टर वैभव आप बताइए क्वेश्चन अभी मैंने बताया है ये स्टार्ट में ही क्या होगा आंसर। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम लखनऊ एंड जौनपुर एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 75 एंड 65, एक जा रहा 75 के स्पीड से दूसरा 65 के स्पीड से, व्हेन दे मीट करा जब वो मिले इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रेवल 10 किलोमीटर मोर। देखो क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट होता है, अगर हम अच्छे से क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़े तो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है पढ़ने के साथ। तो जब मिले तो क्या पा रहे हैं कि एक जो दूसरे से 10 घंटा ज्यादा चला, सॉरी 10 किलोमीटर अधिक चला। अब हम लोग को ये देखना है पहला एक घंटे में 75 दूसरा एक घंटे में 65, यानी एक ही घंटे में वो 10 किलोमीटर मोर चल रहा है, इसका अर्थ है टाइम तो एक ही घंटा हुआ और डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम।
तो 75 प्लस 65 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर जी सर नन ऑफ दीज सर क्या वैभव जी क्लियर है क्वेश्चन यस सर तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मोर बाय स्पीड मोर तो डिस्टेंस मोर तो 10 है और स्पीड मोर भी 75 माइनस 65 है दैट इज 1 आवर अब नाउ डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम रिलेटिव स्पीड हो गया 75 प्लस 65 इनटू 1 दैट इज 140 किलोमीटर अगला क्वेश्चन A train 75 meter long overtook a man who was walking at the rate of 6. Overtook. Overtook कहाँ किया जाता है? Same direction में. Overtake करना. इसका अर्थ है, question कहे या ना कहे, overtake शब्द अगर use हो गया, that means वो same direction है. यानी एक train जो है, एक man को पार कर रही है, जो उसी direction में जा रहा है, तो मैन का स्पीड है 6 एंड पास्ट हिम इन 18 सेकेंड उसको 18 सेकेंड में पास कर जा रहा है बस केवल इतना तक अगर हम लोग सोचे तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है और मैन जीरो होता है मतलब डिस्टेंस मालूम है टाइम मालूम है और रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा रिलेटिव स्पीड x माइनस y जिसमें y गिवन है तो x निकल जाएगा क्योंकि लेंथ मालूम टाइम मालूम तो स्पीड निकल जाएगा और स्पीड चूंकि यहां दो दो है और एक ही डायरेक्शन में है मींस x माइनस y मिलेगा अब अगर y गिवन है तो x मिल गया पहले वाले से अब कह रहा यही रेलगाड़ी यानी इस रेलगाड़ी का स्पीड आपको मिल चुका है यही रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रहे दूसरे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है तो दूसरे व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा बताइए सर 9 किलोमीटर पर आवर सर शशि शंकर शशि क्या सर बताइए कैसे सॉल्व होगा जल्दी से सब लोग अपना पेन कॉपी निकालिए और सॉल्व कीजिए सर बिना पेन कॉपी का 9 किलोमीटर आ रहा है सर पेन कॉपी से 9 ही आएगा सर नहीं आएगा तो ये चैप्टर बहुत इजी हो गया होगा लेकिन रिवीजन खोजता है पहले x माइनस 6 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 5 बाय 18 किलोमीटर चूंकि ये किलोमीटर पर आवर 18 बाय 5 सॉरी और ये मीटर पर सेकंड है तो हम लोग इसको 18 बाय 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा सर तो 15 हो जाएगा तो x इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर यानी ट्रेन का स्पीड हो गया 21 किलोमीटर पर आवर अब यही ट्रेन अगेन यही ट्रेन यानी 21 दूसरे पर्सन को ओवरटेक करा लेट द स्पीड ऑफ द सेकेंड पर्सन बी y और ट्रेन था 75 15 सेकेंड में डिवाइडेड बाय 15 इनटू 18 बाय 5 भी कर लेते हैं तो क्या देखकर लग रहा है 75 75 कैंसिल तो
तो y इक्वल टू 3। सर 3 होगा। नेहा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ बोलिए। नहीं सर समझ गया सर, दीप छोटा सा मिस्टेक हो गया सर। यस सर समझ गया। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर बन गया। दो पार्ट था, एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये था। फर्स्ट पार्ट से हम लोग ट्रेन का स्पीड निकाल लिए और सेकेंड पार्ट से मैन का। कॉन्सेप्ट तो वही है पूरे चैप्टर में, अगर बार बार इन करो और सोचो कि कोई रास्ता नहीं है तो फॉर्मूला तो एक ही मिलेगा। जैसे ही आप सोचोगे मेरे पास एक ही रास्ता है तो ओनली वन फॉर्मूला इज देयर। क्या? कि रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। A goods train and a passenger train are running on parallel tracks. Parallel track पे दो ट्रेन जा रही है, एक गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन क्या ऑब्जर्व कर रहा है? पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक्स एंड क्रॉसेज हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 40 सेकेंड। ड्राइवर फील कर रहा है, जो गुड्स ट्रेन में बैठा है क्या फील कर रहा है, कि पीछे से आ रही जो गुड्स ट्रेन है उसके ट्रेन को पार कर जा रही है 40 सेकेंड में। वेयर एज अ पैसेंजर ऑन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब दो कंडीशन है। पहले तो देख लो कि एक आगे गुड्स ट्रेन जा रही है और पीछे से पैसेंजर ट्रेन है, तो इसका जो ड्राइवर है गुड्स ट्रेन का यहां पे है और वो क्या फील कर रहा है कि पीछे से आ रही गाड़ी उसके ट्रेन को पार कर जा रही है। अगर ये महसूस करे ये गाड़ी उसके ट्रेन को पार कर रही है, तो देखो ये पूरा L1 है और ये L2 है, तो ये गाड़ी इसके ट्रेन को यानी L1 प्लस L2 तब ना पार कर गई ऐसे। जबकि एक पर्सन जो इस ट्रेन में बैठा है यहाँ पे वो क्या फील कर रहा है कि वह यानी वो पर्सन उस ट्रेन को यानी यहां निकल गया तो पार कर गया, यानी जिस ट्रेन में मैन बैठा है दैट ट्रेन विल बी जीरो। आप कहोगे कि सर ड्राइवर भी तो पर्सन है। नहीं, तो ड्राइवर ये फील कर रहा है कि पीछे से आ रही गाड़ी उसकी गाड़ी को पार कर रहा है, तो ड्राइवर तो ऑब्जर्वर है, वो ये फील कर रहा है कि ट्रेन कमिंग बिहाइंड पासेज हिज ट्रेन कंप्लीटली, मतलब पासेज हिज ट्रेन। सबसे पहले हम लोग देख ले पहला नाम जिसका होता है वो L1, तो यहां पे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो रिलेटिव स्पीड। आगे करा उनकी चालों का अनुपात 1:2 है, तो सेम डायरेक्शन है, तो 2x माइनस 1x इंटू टाइम कितना है 40 सेकेंड में पार कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 40x। L1 प्लस L2 क्यों? क्योंकि ड्राइवर फील कर रहा है कि पीछे से आ रही गाड़ी उसकी गाड़ी को पार कर रहा है, जबकि पर्सन जो उस पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तो बैठा है पैसेंजर ट्रेन में, वह मासूम वह यानी पैसेंजर, तो जिस ट्रेन में पैसेंजर बैठा है वो जीरो। तो यहां पे फिर L1 प्लस जीरो, स्पीड तो रिलेटिव 2x माइनस 1x होगा ही, और वो कितने समय में पार कर रहा है 30 सेकेंड में, तो ये आ गया 30x। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है अश्विनी? प्रशांत सर?
सर फर्स्ट में एल वन प्लस एल टू कैसे हुआ? ये गुड स्ट्रीम है, एल टू है। अगर ये इसको पार करके आगे आ जाए ये वाली गाड़ी, तो यहां से आए एल वन, ये चला कितना एल वन और ये एल टू, क्यों? क्योंकि यहां पे ड्राइवर है और ड्राइवर क्या फील कर रहा है कि पीछे वाली गाड़ी, ये है गुड्स ट्रेन और ये है पैसेंजर ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर ये फील कर रहा है कि पीछे से आ रही गाड़ी उसकी गाड़ी को, यानी L1 तो होगा ही और L2 भी होगा। अगर वो ये फील करता है कि आ रही गाड़ी उस मैन को यानी ड्राइवर को पार कर रही, तब तो केवल L2 होता, लेकिन ड्राइवर को नहीं, पूरी गाड़ी को, तो इसलिए L1 प्लस L2 हो गया और ये बराबर होगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो है 1:2, तो L1 प्लस L2 2x माइनस 1x और 40 सेकेंड में इनटू 40 यानी 40x। और पैसेंजर देखो ये पीटी है, पैसेंजर ट्रेन, पर्सन यहां बैठा हुआ है, वो फील कर रहा है, तो जैसे पैसेंजर फील किया तो केवल L1 मिला, तो रिलेटिव स्पीड तो वही होगा, लेकिन क्या पैसेंजर फील कर रहा है, वह उस ट्रेन को पार कर रहा है 30 सेकेंड में यानी 30x। इन दोनों से हमारा L2 मिल गया और वो आ गया 10x। क्वेश्चन कर रहा है L1 और L2 का रेशियो बताओ, तो ये तो था 30x और ये था 10x यानी 3:1। किसी को प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। सेम क्वेश्चन ये था। पहले 12 सेकेंड में और बाद वाला पहला 15 सेकेंड में और फिर 12 सेकेंड में, यानी L1 प्लस L2 आ जाता जब हम लोग बना रहे हैं, तो 15 इंटू 2x माइनस x दैट इज 15x, और केवल L1 आ जाएगा 12 इंटू 2x माइनस x दैट इज 12x। कराए इससे हमारा L2 आ गया लिस्ट करने पे 3x। रेशियो पूछ रहा है। यस सर 4:1। तो L1 L2 का रेशियो 12x और 3x 4:1। एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, ऐसा अभी बताया है लेकिन फिर भी दे रहा है। अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन ए एट 7 AM, 7 बजे छोड़ रहा है, और रीचेस बी 11 बजे। अनदर ट्रेन, यानी पहले वाले को 4 घंटा लग रहा है। Another train leaves B at 8 AM and reaches A at 11:30. दूसरे वाले को 3.5 घंटा लग रहा है। पहले वाले को 4 घंटा, दूसरे वाले को 3.5 घंटा। तो कह रहा है क्या? The two trains cross one other at, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? या तो डायरेक्ट लिख देता कि पहला ट्रेन A से B 4 घंटे में, दूसरा ट्रेन B से A 3.5 घंटे में, तो कितने घंटे बाद दोनों मिलेंगे या पार करेंगे? अब आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केवल आपको सोचना है, सॉल्व करना है।